हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। पालक पनीर का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। हम जनरली जो पालक पनीर खाते हैं उसमें हमें पनीर का न्यूट्रिशन तो मिलता है, लेकिन पालक का न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है बिकॉज वी ओवर कुक इट, बहुत ज़्यादा तड़का लगाते हैं। बट डोंट यू वरी फ्रेंड्स, आज मैं जो पालक पनीर बनाऊंगा वो होगा हेल्दीएस्ट पालक पनीर दैट यू विल एवर टेस्ट। नो ऑयल, नो एक्स्ट्रा मसाले, जस्ट 100% न्यूट्रिशन एंड टेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम लो फैट पनीर, एक बोल पालक, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, और 12 से 15 काजू, ये ऑप्शनल है बट मैं कहूँगा आप इसे ज़रूर डालें, ये हेल्दी फैट है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन चढ़ाकर उस पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी के बॉयल होने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूँगा। इसमें अब मैं पालक के पत्तों को अच्छे से डुबा दूंगा और फिर इसे ढक दूंगा। 2 से 3 मिनट के बाद पालक के पत्ते स्टीम हो चुके हैं। पालक ओवर कुक ना हो इसलिए मैं इसे नॉर्मल वाटर में डालकर ठंडा कर दूंगा। दूसरी तरफ मैंने एक मिक्सी जार में 1 टमाटर, 2 से 3 लहसुन के क्लोव, 1 प्याज, 1 हरी मिर्च और ये ठंडा पालक डाल दूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से मिक्सी करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। दूसरे जार में काजू को डालकर इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। अब हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे। पैन जैसे ही गर्म हो जाए गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें पालक वाला पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। आप देख सकते हैं पालक का रंग एकदम लाइट ग्रीन है, मतलब ये ओवर कुक नहीं हुआ है। अब हम इसमें काजू डाल देंगे। हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और गैस को ऑफ कर दीजिए। गैस को ऑफ करने के बाद हम इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आपका पालक पनीर रेडी है। सो फ्रेंड्स, वाजंट इट इजी? एंड ट्रस्ट मी, इट वाज वेरी टेस्टी। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड क्लिक हियर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय नेम इज विवेक मित्तल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।